हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अभीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक देखें। चुप कर बे कुत्ते, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में पहली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अजलान शाह के रिलेटेड है। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक Q&A किया था, जहां पर काफी ज्यादा लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि उनकी शादी कब होने वाली है। और इसके अलावा लोग उनसे ये भी पूछ रहे थे कि उनका जो शो फनकार है उसका ऑडिशन तो कम्प्लीट हो चुका है, फिर उसकी न्यू एपिसोड कब आने वाली है। दोनों बातों का उन्होंने क्या जवाब दिया, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। शादी मेरी बहुत करीब है, दुआओं की दरख्वास्त है, थैंक यू। फनकार के एपिसोड्स अब शुरू होने लगे हैं और अब बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ये फनकार का तुम लोग पेज फॉलो कर लो, ठीक है, और ये एंटरटेनमेंट का भी पेज फॉलो कर लो, सारी अपडेट्स यहाँ पर आएंगी और असल मजा अब आएगा। वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हानिया आमर के रिलेटेड है। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हानिया आमर गुजरांवाला में किसी मीटिंग के लिए मौजूद थी, लेकिन जब वो मीटिंग कर बाहर निकली तो उनको उनके फैंस ने घेर लिया और रश ज्यादा होने की वजह से हानिया आमर को काफी ज्यादा धक्के भी मिले और उनको हरासा भी किया गया, और इस वजह से हानिया आमर काफी ज्यादा गुस्सा भी हुई थी। वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, तो एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो ट्विटर को बहुत जल्द मोनेटाइज करने वाले हैं, जिसका ये मतलब है कि हम ट्विटर पर भी यूट्यूब की तरह वीडियो अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। इसी पर बात करते हुए हमजा भट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की। चक्कर यार कुछ इस तरह का है कि कुछ टाइम से मैं जो है वो अभी ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें वो ये है कि एलन मस्क ने अनाउंस किया यार कि ट्विटर पे प्रॉपर कंटेंट आ रहा है और प्रॉपर मोनेटाइजेशन आ रही है। और मैं समझता हूँ आई ऑलवेज वॉन्ट टू टेक रिस्क एंड गो टू प्लेसेस जहाँ पे जो है ना नई नई चीजें आ रही होती हैं। लाइक अनदर थिंग इज केयर, मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन है ना वो उस तरह की नहीं है जो कि नॉर्मली होनी चाहिए है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे भी रहते हुए इस तरह की इंटरेक्शन नहीं है, तो ट्विटर पे भाई हम जा रहे हैं, मतलब ट्विटर पे भी जा रहे हैं वहां, तो वहां पे फॉलो करो। और आई फील लाइक वहां पे हम जरा कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहे कि बस वहीं पे बैठ जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर वहां पे आ जाओगे तो वहां पे गपशप भी लगाते हैं। वीडियो में अब बात कर लेते हैं रजा समो के रिलेटेड। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो दूल्हा बने हुए थे और अपनी बारात के लिए जा रहे थे। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका निकाह हो चुका होगा, उनकी वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, दिल वाले दुल्हनिया लेने जा रहे हैं, चंद दोस्त हमारे पुराने हमारे साथी हैं, इंशाल्लाह ताला आज जो है हमारी शादी मुबारक है, खुश भी लग, मिलते हैं आपसे शादीशुदा होके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो के एंड पर बात कर लेते हैं हसन नुमान और मदीहा रिज़वी के रिलेटेड। इन दोनों के बीच अब तलाक हो चुकी है और इसकी तस्दीक मदीहा रिज़वी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी की। उन्होंने बताया कि उन दोनों ने बाहमी रजामंदी से इस रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया है, एक अच्छे पेरेंट्स की तरह अपनी बेटियों की परवरिश करते रहेंगे। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।